नमस्कार, मैं हूं वरुण ग्रोवर और नई धारा संवाद के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग लगातार जुड़े रहे हैं नई धारा से, कि नई धारा संवाद एक कोशिश है हिंदी के हिंदुस्तानी भाषा के मौजूदा साहित्यकारों रचनाकारों से बातचीत करने की और उनसे आग्रह करने की कि वो अपनी रचनाएं हमें पढ़कर सुनाएं और इसी बीच उनकी रचना प्रक्रिया को हम समझ सकें, इसी बीच उनकी उनके जीवन के सफर को हम समझ सकें। और इसमें हमको मौका मिलता है, और खास करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, मौका मिलता है इतने सुंदर कवियों रचनाकारों से बातचीत करने का। और आज मैं भले ही दुनिया इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, हमारा देश बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और उसके बीच भी क्योंकि आज के ऐसे रचनाकार, आज जो रचनाकार हैं वो ऐसे हैं कि उनसे बात करने का सिर्फ एक मौका ही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं इतने मुश्किल समय में भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारे साथ जो रचनाकार, जो कवि हमारे बीच अब बिल्कुल 1 मिनट में हमारे सामने आने वाले हैं, उनको पढ़कर शायद पिछले, मैं कहूंगा कि पिछली 2 जनरेशन ने, दो दो पीढ़ियों के लेखकों ने, कवियों ने न जाने कितना कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ सीखा है। और मैं उनको बुलाने से पहले उनकी एक छोटी सी कविता, बल्कि 2 छोटी सी कविताएं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर उनका परिचय दूंगा और फिर उनको यहाँ पे बुलाऊंगा। ये कविता शायद आप सबने बहुत बार सुनी होगी, जो भी हिंदी पढ़ते लिखते हैं वो जरूर जानते होंगे, लेकिन ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कविताओं में से एक है हिंदी साहित्य की, शायद सबसे पसंदीदा। मैं 10 कविताएं गिनूं तो शायद उसमें ये आ जाए, शायद 5 में आ जाए। खैर, कविताओं में गिनती नहीं करते हैं, गलत बात, बैड मैनर्स, पर मैं आपको ये कविता सुनाता हूं। इसका शीर्षक है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वह अर्थ समझता है। समझता है सबकी भाषा, सभी की अल्ले ले ले, तुम्हारे वेद पुराण कुरान, तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वह व्यर्थ समझता है, अभी वह अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है बाद में सीखेगा भाषा, उसी से है जो है आशा। और ये कवि हैं हमारे सबके प्यारे नरेश सक्सेना जी। नरेश सक्सेना जी को सिर्फ कवि कहना मेरे ख्याल से पूरा परिचय नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी कलाओं में पारंगत हैं। वो फिल्म निर्देशन के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं, वो बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं। और सिर्फ कवि कहना या सिर्फ दार्शनिक कह देना भी पूरा परिचय नहीं है। मैं कहूंगा कि वो अपने आप में, उनको विदूषक कहना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उनकी कविताओं में जो सहजता के साथ, जितनी सहजता के साथ, जितने व्यंग्य के साथ, कई बार इतनी गहरी बात, इतनी इतने गहरे दर्शन की बात सामने आ जाती है कि आपका दिल कहता है कि ये सिर्फ कविता नहीं हो सकती, आपके साथ रह जाती है। जैसे एक और छोटी सी कविता, और उसके बाद मैं नरेश सक्सेना जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा आपके सामने। जूते, जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, दूसरों की यात्रा के साधन बने रहे। जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, दूसरों की यात्रा के ही साधन बने रहे। एक जूते का जीवन जिया जिन्होंने, यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया घर के बाहर। स्वागत कीजिए हमारे प्यारे नरेश सक्सेना जी का। नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, नमस्कार, 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 कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, करीब करीब। जी, करीब करीब ठीक है, वही बहुत सुंदर तरीका है कहने का, क्योंकि इस समय शायद सभी करीब करीब ही ठीक हैं इस समय देश में। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर कविताओं के साथ आपका जो इतना लंबा सफर रहा है, हम उसके कुछ बड़े बड़े जो मील के पत्थर रहे हैं उन पे बात करेंगे। तो कहाँ से शुरुआत करें, आपके बचपन से शुरुआत करें, कैसे आप इंजीनियर भी हैं, ये भी मैं कहना भूल गया, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ और आप भी सिविल इंजीनियर हैं, और आज दो सिविल इंजीनियर मिलके यहाँ कविताओं की बात क्या बात कर है, क्या बात रहे हैं। और
तो कैसे आप इंजीनियर हैं, तो मैं मानता हूं कि शायद आपके परिवार में भी पहले यही मतलब एक तरह का एकेडमिक सा माहौल रहा होगा। क्या आप अपने परिवार के पहले कवि हैं या पहले ऐसे कलाकार हैं जो कि इस सपनों की दुनिया में आए? देखिए, परिवार मेरे पिता भी सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे जी और मेरे बड़े भाई थोड़ा कविता करते थे, जी और मैं ग्वालियर का हूँ। जी तो ग्वालियर ग्वालियर में उस जमाने में जब मैं 13-14 साल का था, उस जमाने में वहाँ बहुत कवि सम्मेलन होते थे और गीतकार वहाँ के पूरे भारत में प्रसिद्ध थे, जिसमें वीरेंद्र मिश्र, आनंद मिश्र और बहुत लोग थे जो वहाँ, रामकुमार चतुर्वेदी, चंचल, मुकुट बिहारी सरोज, पूरे भारत में उनके गीत मशहूर थे। तो उनकी कविताओं से मैं मंच पर कविता पढ़ते थे और लोग वाह वाह करते थे सुन करके। तो लेकिन ये कल्पना मुझे कभी नहीं थी कि मैं भी कभी मंच पर जाकर कविता पढ़ूंगा, ऐसा तो कभी मन में नहीं आया। हालांकि जब मैं इंटरमीडिएट में था जी तो मैंने ज्ञानोदय में, उस समय ज्ञानोदय कलकत्ता से निकलता था, जी और मैं चार बहुत छोटे छोटे मुक्तक रमा सिंह के छपे, जी पूरा पेज खाली था, चार बहुत छोटे छोटे मुक्तक चार चार लाइनों के नीचे छपे थे, ऊपर एक पेड़ का स्केच और रमा सिंह लिखा हुआ था। वो इतने सरल थे कि मुझे लगा कि अरे ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। वो एक एक मुक्तक सुनाता हूँ मैं, आपको लगेगा आप क्या हर सुनने वाला ऐसा लिख सकता है। जी एक पल में उठ रही लहरें कई, एक पल में दिख रही खंडित हुई, एक ऐसी भी लहर इनमें उठी, रेत पर तस्वीर बनकर रह गई। मैंने कहा अरे इतना सरल, ये ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने तुरंत अगले 2 हफ्ते में 15-20 मुक्तक लिखे और उसमें से 11 मुक्तक चुनकर ज्ञानोदय को भेज दिए कि आप कोई भी 4 चुन लीजिए। ज्ञानोदय बहुत बड़ी पत्रिका थी जी। लेकिन आश्चर्य मेरा कि अगले हफ्ते ही मेरे 4 मुक्तक उसमें स्वीकृत हुए और 1958 में 1958 में वो मुक्तक मेरे छपे, वो मेरी पहली रचना थी। तो उस तरह से भाषा, देखिए कविता, कविता की भाषा थोड़ी हमारी भाषा से अलग कही जाती है, वो भाषा के अंदर एक भाषा होती है। दरअसल कविता की भाषा हमारी रोजमर्रा बोलचाल की भाषा से अलग होती है, वो भाषा के अंदर एक भाषा होती है, और जो उस भाषा की सीमा को, उस भाषा की सीमा को बहुत बढ़ा देती है, बहुत कुछ कह देती है। तो कविता की भाषा, सभी कहते हैं कि बोलचाल की भाषा के नजदीक होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, थोड़े से में बहुत ज्यादा कहना है उसे। अगर बहुत ज्यादा कह के बहुत थोड़ा सा अर्थ आ रहा है तो फिर वो कविता नहीं है। सूक्ष्मता, सुंदर तो होना ही है उसे, वो कितनी तरह से सुंदर हो सकती है, वो अपनी लय से सुंदर हो सकती है, ध्वन्यात्मकता से सुंदर हो सकती है, कई तरह कई रूप है उसके सुंदर होने के, और फिर उसे अंततः संवेदना जगाना होता है, संवेदनीयता होनी चाहिए उसमें, ये उसका अंतिम पड़ाव है संवेदना। तो भाषा अपने बीच में विचारों से गुजरती है, और संवेदना के बारे में तो मुक्तिबोध ने बहुत ही सुंदर बात कही, वो ये कि संवेदनात्मक ज्ञान या ज्ञानात्मक संवेदना,
वो संवेदना को ज्ञान से मुक्त ही नहीं करते, लेकिन ये हमेशा कविता को या किसी भी कला के पास हम ज्ञान के लिए नहीं जाते, बिल्कुल वाह, कलाओं के पास हम आनंद के लिए जाते हैं, वाह क्या, लेकिन ज्ञान के लिए तो पुस्तकें भरी पड़ी हैं, ज्ञान के लिए पुस्तकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कलाओं के पास हम आनंद के लिए जाते हैं, ऐसा आनंद जो उन कलाओं के माध्यम से सिर्फ मनुष्य ही दे सकता है। ये कलाएं हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है जी, हम मनुष्य हैं, हमारे पास कलाएं हैं, हमारे पास विज्ञान भी है, ज्ञान है, बहुत कुछ है, लेकिन तो ये कलाएं हमें हमारी संवेदना को जगाती हैं, हमें बेहतर मनुष्य बनाती हैं, और बेहतर मनुष्य ही इस संसार में, ये सारा संसार जो है वो हमारी बेहतर मनुष्यता का और हमारी मनुष्यता के विरोध का भी नमूने यहाँ बहुत मौजूद हैं आज। तो कलाओं के बारे में, बचपन के बारे में, ग्वालियर के बारे में बताया मैंने, ग्वालियर हाँ, दो चीजों हाँ, के लिए फिल्मों पे भी, हाँ फिल्मों का भी आप पे कुछ काफी असर रहा बचपन में उस पे भी। हाँ, फिल्मों का असर मेरे ऊपर बचपन से यूं रहा कि हमारा घर जो था वो चित्रा टॉकीज से बिल्कुल सटा हुआ था, यानी चित्रा टॉकीज के ऊपरी मंजिल की दीवार जो थी और हमारे घर की दीवार एक ही थी, तो उसमें से हम लोगों ने एक ईंट खिसका ली थी, उसमें दरार दरासी थी और उसमें से आवाज सुनाई देती थी, तो रात को हमने पूरी ईंट खिसका ली तो हमें पर्दे का पिछला हिस्सा दिखाई देने लगा। अच्छा। अब उसमें होता यह था कि हम सेकंड शो जितना जो भी फिल्में चित्रा टॉकीज में आती थी उनको हम पूरे दोनों तीनों शो हम सुनते थे रात को 12 बजे तक। अब एक फिल्म आई बैजू बावरा, हाँ, वो 6 महीने तक चलती रही, तो 6 महीने तक हम उसे सुनते रहे। हुआ ये कि उसके साउंड ट्रैक की आवाज के साथ हर दृश्य हमें याद हो गया था, कि इस समय ये आवाज है, ये साउंड ट्रैक, ये म्यूजिक चल रहा है, तो इस समय कौन सा दृश्य चल रहा है। वाह, तो ये तो अब तक याद होगा आपको। मुझे अब तक याद किस गीत के बाद कौन सा संवाद आ गया, गीत खत्म हुआ तो गंगा की मौज ना। देखिए ना, साउंड ट्रैक में तो बहुत से ट्रैक होते हैं, साउंड ट्रैक में सिर्फ एक एक ट्रैक संगीत का होता है, एक बोले हुए शब्दों का होता है, एक इंसिडेंटल साउंड्स का होता है, बिल्कुल, और तमाम सारी दूसरी वाद्यों की आवाजें हैं, म्यूजिकल इफेक्ट्स हैं, और उन सारे आप जानते होंगे कि उनको फिर रीमिक्सिंग करनी पड़ती है, री रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है उनकी सबकी, तो खैर उनका बैलेंस बनाने के लिए। कभी कभी क्या होता था कि मैटनी में रात को हमने ईंट किसी ने लगाना भूल गया तो वहां छेद खुला रह गया। अब जब मैटनी शुरू हुई तो पता लगा धूप पड़ रही है 12 बजे, तो स्क्रीन पे धूप का एक धब्बा आ रहा है, तो वहां के मैनेजर ऊपर चढ़ के चिल्लाने आते थे कि भाई वो ईंट लगा दो, ईंट लगा दो। अच्छा, ईंट लगाई जाती थी। अरे वाह, ये तो इसका कुछ असर रहा आपके कवि बनने के सफर में, यहाँ से क्या आप कवि बनने की शुरुआत यहाँ से हुई? भाषा जो है हमारी, हमारे पास अंतिम कला के रूप में आई है। इससे पहले आप देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो दिल उसका लय में धड़कता है। जी, आप जानते हैं लय की धड़कन जो है ये संगीत का हिस्सा है, और ये दिल का धड़कने की लय अगर जरा गड़बड़ हो जाए, अगर तेज हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा आपको, और अगर धीमी हो जाए, ये लय धीमी पड़ते ही आप सिंक करने लगेंगे। तो ये लय के साथ हम पैदा होते हैं, उसके बाद
बच्चा माँ की लोरियां सुनता है, उसे संगीत का अनुभव हो जाता है। गुफाओं में चित्र मिलते हैं, आप देखें जी, शब्द नहीं मिलते, चित्र मिलते हैं। तो बिल्कुल, चित्रकला भी पहले आ गई, लय पहले आ गई, हाँ संगीत पहले आ गया है हमारे हमारे अनुभव तंत्र में। लय और संगीत और चित्रकला पहले आ गई है, शब्द बहुत बाद में आए हैं। जी, तो जी, जी, शब्द अंतिम कला के रूप में आए हैं, तो शब्द अपने साथ लय को, ध्वनियों को, संगीत को और दृश्यों को लेकर के आए हैं। तो भाषा में ये सब कुछ है। जी 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 इससे मुझे आपकी ही कविता याद आ रही है, एक आप अगर सुनाना चाहें संख्याएं जी, या कोई भी जो आप सुनाना चाहें, लेकिन ये आपकी बहुत सुंदर कविता है, संख्याएं। संख्या हाँ बिल्कुल, बहुत कितनी सुंदर वो कविता है और एक पर्सपेक्टिव है, और उसपे उसमें जो आपका गणित और गणित और इंजीनियरिंग और साइंस से जो प्यार है वो भी दिखता है उसमें। जी जी देखता हूँ संख्याएं कविता होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि इसमें संख्याएं नहीं है, है। देखिए संख्याओं के बारे में एक बहुत सुंदर बात है, लोग ध्यान नहीं देते। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की एक बहुत मशहूर कविता भी है, और ब्रह्म राक्षस कविता के अलावा उनकी एक कहानी भी है जी। तो बहरहाल ब्रह्म राक्षस को, ब्रह्म राक्षस एक बच्चा, एक बच्चे की कहानी है वो। जी वो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, तो उसके पिता एक दिन उसे बहुत डांटते हैं कि तुम बहुत नालायक हो और तुम घर से निकल जाओ, तुम पढ़ते नहीं हो। तो वो बच्चा ये कह के घर से निकलता है कि अब मैं पढ़कर ही आऊंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करके ही आऊंगा, मैं घर नहीं आऊंगा। वो चला जाता है गुरु को ढूंढता हुआ, और अंततः एक एक ऐसी हवेली में पहुंचता है जिसकी पहली मंजिल पर कोई नहीं है। कुछ बच्चे उसे बताते हैं कि ये जो निर्जन हवेली है, ये भूताहा हवेली है, इसमें गुरु है। वो गुरु की तलाश में वहां चला जाता है, लेकिन पहली मंजिल पर कोई नहीं, दूसरी मंजिल पर भी कोई नहीं है, तीसरी मंजिल। देखिए तीन तीन की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, दो की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तीसरी मंजिल पर कोई नहीं है, चौथी मंजिल पर कोई नहीं है। आप देखें ये सारी संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे शरीर में स्थित हैं। ये दो की संख्या हमारी दो आंखों की संख्या है जी, ये तीन की संख्या हमारे हमारी हर उंगली जो है तीन जगह से मुड़ती है जी, वरना हम कोई चीज पकड़ नहीं पाएंगे। चार की संख्या, हमारे दिल में चार हिस्से हैं जो खून के शोधन का काम करते हैं, हमारा दिल चार हिस्सों में बटा हुआ है। पांच की संख्या तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे पांच, ये पांच की संख्या है, सारी संख्याएं, लेकिन गुरु उसको नहीं मिलता। पांचवी मंजिल पर भी गुरु नहीं, छठी पर भी नहीं है, सातवीं पर जानते होंगे हमारे हमारे स्वाद तंत्र की संख्या है, शटरस भोजन कहलाता है। ये दोनों कानों की हड्डियां छह हैं, बहुत ये सारी संख्याएं हमारे शरीर में स्थित हैं। सातवीं संख्या, सातवीं मंजिल पर भी गुरु नहीं है, आठवीं मंजिल पर गुरु है। ये आठ की संख्या क्या है? ये हमारा जो ये दिमाग है ना, जो खोपड़ी
आठ हड्डियों से बनी है, वाह जिसमें ये दिमाग सुरक्षित रहता है। जी, ये फ्रंटल, ये पेराइटल, हाँ हाँ ये ऑक्सीपिटल, ये आठ हड्डियां हैं। जी आठ अष्टावक्र आपने सुना होगा, जी 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 अष्टावक्र ऋषि थे, क्योंकि ये जी शरीर आठ जगह से ही मुड़ता है। जी कृष्ण भी जब बांसुरी बजाते थे इस तरह से, जी तो आठ जी जगह से उनका शरीर मुड़ जाता था। वाह तो ये कविता वही बात कहती है। जी ये जो गुरु है, ये जो दिमाग है, ये आठ हड्डियों के खोल में है। तो शब्द तो आए बहुत बाद में, जी शब्द तो आए बहुत बाद में, संख्याएं हमारे जन्म से ही हमारे साथ हैं। निर्माण हो रहा था जब हमारी हड्डियों का, रक्त कणों का, कोशिकाओं का, साथ साथ संख्याएं भी निर्मित हो रही थी। एक हमारी देह की इकाई की वो संख्या है जिसमें सारी संख्याएं समाहित हैं। दो आंखों में स्थित है दो, तीन उंगलियां, तीन संख्या है उंगलियों के तीन जोड़ों में, हृदय के हिस्से हैं चार, और पांच का निवास पांच उंगलियों में है। आगे की सारी संख्याओं को देह में तलाशना बहुत मजेदार खेल है। नौ को तो अमर कर गए कबीर कि नौ द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहबे को है आचरज, गए अचंभा कौन। ये नौ छेद हमारे देह में है। मुझे तो बहुत चकित करती है ये बात कि देह की मुद्राएं आठ की संख्या निर्धारित करती है, क्योंकि आठ तरह से मूर्ति है या हमारे देह की हड्डियां। इसीलिए कृष्ण कहलाते हैं अष्टावक्र। सात रंग दिखते हैं आंखों को और जीभ छह तरह के स्वादों को पहचानती है। इसीलिए तो भोजन को कहा गया षटरस। देखिए एक से बना कैसा प्यारा शब्द एका, एक जो दूसरे के बिना रह नहीं सकता, जिसके बिना संभव नहीं थी इस दुनिया की शुरुआत। मैंने तो शुरू में ही कही थी ये बात कि संख्याएं शब्दों की पूर्वज हैं, शब्द तो आए बहुत बाद में और आते ही चले जा रहे हैं, जबकि संख्याएं सब के सब आ चुकी हैं। क्या कोई नई संख्या बता सकते हैं आप? वाह 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 वाह, क्या बात है, कितनी जादुई आपकी, आप ये जो इसकी अंतिम लाइन है वो ही इतनी जादुई है, क्या कोई नई संख्या बता सकते हैं आप। मैंने जब ये कविता पढ़ी थी उससे पहले तक, जबकि ये बात शायद सबने सोची होगी या सबने किसी ना किसी तरह से देखी होगी कि संख्याएं हमारे आसपास हैं, अपने आप हैं और शब्द बनाने पड़ते हैं, लेकिन सारी की सारी संख्याएं आ चुकी हैं। ये इससे आपका एक और जो परिचय मैंने शुरू में दिया था कि आप इंजीनियर भी हैं, और इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर नहीं, मतलब एक तरह से मैं कहूंगा वैज्ञानिक हैं, मैथमेटिशियन हैं, और शायद अभी आपने जिस तरह से हड्डियों के नाम बताए मैं कहूंगा शायद बायोलॉजिस्ट भी हैं आप। तो ये आप वहां से उस दौर में जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उसी दौर में आपकी पहचान और आपकी एक तरह से कहूंगा मित्रता भी परसाई साहब से और मुक्तिबोध से और विनोद कुमार शुक्ल जी से, जो कि शायद उस समय आपके सहपाठी थे या आपके, तो इन उस मैं जबलपुर में वो पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर साइंस जी, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो हम दोनों बहुत दिन साथ साथ रहे हैं वहाँ जी। तो उस दौर के बारे में कुछ बताइए, वो शुरुआती दौर था आपकी कविताओं का, और मुक्तिबोध का किस तरह से आप पर क्या असर रहा या नहीं रहा, या परसाई साहब का क्या असर रहा? देखिए मेरी मेरी पूरी चेतना के निर्माण में इंजीनियरिंग का भी हाथ है, विनोद कुमार शुक्ल का भी हाथ है, और परसाई जी और मुक्तिबोध का तो है ही जी। आप देखें, मैं एक आपको घटना सुनाता हूँ।
हम और विनोद कुमार शुक्ल एक शाम को घूम रहे थे। रोज जी अक्सर शाम को हम लोग साथ मिलते थे और घूमते फिरते थे। तो एक गोभी के फूलों को एक गोभी के फूल एक डलिया में भरे हुए एक स्त्री ले जा रही थी। तो मैंने अचानक कहा कि विनोद जी, गोभी के फूल पर कविता लिखी जाए। बोले ठीक है। तो हमने कहा लिखिए, कल बताइएगा क्या लिखा। तो जी अगले दिन मुलाकात हुई। तो मैंने कहा विनोद जी, गोभी के फूल पर कविता। तो बोले आपने लिखा। मैंने कहा हाँ, क्या लिखा। तो मैंने उसके बारे में, गोभी के फूल के बारे में कुछ लिखा इस तरह से कि वो धरती का फूल है, वो किसी टहनी पर नहीं है, वो किसी पेड़ पर खिला हुआ फूल नहीं है, वो किसी टहनी पर लगा हुआ फूल नहीं है, वो सीधा धरती से निकला है, वो धरती का फूल है। और कुछ अपने पेट से भी उसका रिश्ता जोड़ा, क्योंकि वो सब्जी है। फिर जी मैंने विनोद जी से कहा कि अच्छा आप बताइए, आपने क्या लिखा। बोले मुझसे कुछ बना नहीं। मैंने कहा ये तो बेईमानी की बात है, क्या नहीं बना बताइए, जो नहीं बना वही बताइए। तो उन्होंने एक पंक्ति सुनाई, बोले अगर ये फूल है तो इसे कोट के बटन होल में कैसे लगाऊं। अरे मैंने कहा विनोद जी, ये क्या है भाई, अगर ये फूल है तो इसे कोट के बटन होल में कैसे लगाऊं। तो ये मैं समझ गया कि कविता निरे तर्क से, निरे विचार से, निरे दिमाग से नहीं लिखी जाती। कविता के साथ अपनी भावना को जोड़ना जी इस स्थिति तक कि अगर ये फूल है, यानी हम कविता लिखते वक्त ये नहीं भूले थे कि ये इसकी सब्जी बनाई जाती है, तो उसका संबंध जो है अपने पेट से जोड़ रहे थे कि हमारे, लेकिन जी ये हमारे पेट में महकने वाला फूल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये फूल है तो भूल गए कि सब्जी है। वो शब्द को इतना महत्व दे रहे थे कि अगर ये फूल है तो फिर इसे कोट के बटन। ये इस तरह की जो बातचीत हम लोगों के बीच में होती थी, उसने जी बहुत सारी हमारे मेरे भीतर काव्य चेतना का परिष्कार किया। और मैं जी समझा कविता निरे तर्क से और निरे ज्ञान से नहीं लिखी जाती, भावना जी उसमें शामिल हो। जी 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 बिल्कुल। तो और कुछ मुक्ति बोध जी से जुड़ा हुआ कोई आपको वाकया याद आता हाँ, हो या? मुक्ति बोध, देखिए मुक्ति बोध बहुत संस्मरण है मुक्ति बोध के, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और जो कविता से जुड़ा हुआ है वो ये कि परसाई जी के पास आए हुए थे मुक्ति बोध। हम मिलने गए तो परसाई जी ने कहा कि हम लोग एक जगह बताई उन्होंने, किताबों की दुकान, वहां जा रहे हैं और आप मुक्ति बोध को लेकर के तुम वहां पहुंचो। उनका आशय ये था कि मुक्ति बोध को हम रिक्शे में लेकर के आएंगे, लेकिन मुक्ति बोध ने रिक्शे पर बैठने से इनकार कर दिया और अच्छा पैदल ही चले, पैदल चले हमारे साथ। तो रास्ते में पूछने लगे कि कहाँ पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो। मैंने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। बोले हाँ हाँ बताया था परसाई ने, तो क्या पढ़ते हो। मैंने कहा साहब उसमें थ्योरी ऑफ मशीन्स भी पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो जो तुम पढ़ते हो वो तुम्हारे लिखने में, तुम्हारी कविता में आता है क्या। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा अरे ये थ्योरी ऑफ मशीन्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, इस सबसे कविता का क्या मतलब होगा, ये जी अजीब बात पूछ रहे हैं। उन्होंने मुझे भौचक्का देखा।
जी जब भौचक्का देखा तो उन्होंने कहा, वो समझ गए, तो उन्होंने कहा देखो हम जब साहित्य रचना करते हैं तो मनुष्य के समाज के हमारे जीवन के बारे में होती है। हम देखते हैं दुख सुख को, जीवन मृत्यु को, बहुत सी विषमताओं को, तो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, और ये सोच करके तब हम किन नतीजों पर पहुंचते हैं। एक वैज्ञानिक भी जब दृश्यों को देखता है, जब वो चीजों को देखता है, तो वो भी आश्चर्य करता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज्यादा अगर गर्म कर दें चीज को तो ठोस चीजें पानी की तरह पिघल कर बहने लगती, वो भी सोचता है, वो दृश्यों के बारे में सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर फूल हमसे बहुत दूरी पर है और उसकी खुशबू हमारे पास आ रही है, तो खुशबू वहां से कौन ला रहा है? ये खुशबू हवा के जरिए आ रही है, इसका मतलब खुशबू वहां से फूट रही है, खुशबू फूट रही है तो चल करके आ रही है हमारे पास, तब हमारे नाक में जा रही, जी अदृश्य है खुशबू, अदृश्य है। तो हम उसे, एक वैज्ञानिक उसके बारे में सोचता है और तब उसकी खोज करता है, खोज करता है तो ये कुछ पता नहीं क्या आ गया है बीच में, अच्छा, मेरा तो चेहरा दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है बिल्कुल। हाँ अब हो गया, हो गया, हाँ हो गया। तो उन्होंने कहा एक वैज्ञानिक भी चीजों को देखता है, उसके बारे में आश्चर्य करता है और आश्चर्य करके उसके नतीजों को तलाश में जाता है, तो अक्सर लेबोरेटरी में जाना होता है उसे। तो जी एक 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 साहित्यकार की, साहित्यकार का दृश्यों को देखना, समाज को देखना और उसके बारे में सोचना और नतीजे निकालना, एक वैज्ञानिक का जी भी दृश्यों को देखना, उसके बारे में सोचना और फिर नतीजे निकालना, ये वैज्ञानिक का काम होता है। तो दोनों एक ही रास्ते, एक ही तरह के रास्ते पर चलते हैं। दूसरी जी बात जो महत्वपूर्ण थी वो ये थी, और जो मैंने सोचा बाद में मुझे खुद समझ में आया, कि कलाएं हमारे अज्ञान से नहीं पैदा होती, कलाएं और विज्ञान हमारे ज्ञान का हिस्सा है, कलाएं हमारी हमारे ज्ञान उसमें शामिल होता है। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो ये बात मेरी समझ में आई और मैंने सोचना शुरू किया। तो मैंने जो शुरुआती कविताओं में लिखी उनमें एक कविता है कंक्रीट, जी बिल्कुल, बहुत पसंदीदा एक सिविल इंजीनियर की कविता है वो। आप देखिए कि चीजें जगह घेरती हैं, चीजें जगह घेरती हैं, लेकिन वो कविता कहती है चीजें जगह छोड़ती हैं। और ये बात मुझे समझ में आई जब हमने फर्स्ट ईयर में कंक्रीट के कंसोलिडेटेड कंक्रीट के लिए ये गिट्टियों के ढेर को एस्टिमेट किया कि इसमें खाली जगह कितनी है। जी तो वो कविता सुनाता हूं मैं आपको, कंक्रीट। बिल्कुल बिल्कुल जी आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं, और जगह छोड़ देती हैं गिट्टियां आपस में, चाहे जितनी सटें, जितनी जगह खुद घेरती हैं ठीक उतनी ही अपने बीच खाली छोड़ देती हैं। इसमें भरी जाती है रेत, और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना भींचें, अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देते हैं। उसी में तो भरी जाती है सीमेंट, सीमेंट कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती हैं खाली जगहें जिसमें समाता है पानी, और पानी में भी खाली जगहें। खैर इसे छोड़िए, इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में
अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। वाह वाह वाह, तो चीजें जगह छोड़ती हैं और याद दिलाती हैं कि मनुष्य जगह नहीं छोड़ना चाहता। वाह, कितनी बढ़िया, कितनी एक वैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर आपने एक जीवन दर्शन और रिश्तों की कहानी कह दी। और एक एक दो और इसी श्रेणी में मैं कविताएं जो मुझे लगता है कि आ जाती हैं, एक है गिरना आपकी जो कविता है, अगर आप वो भी सुनाना चाहें, नहीं तो सिर्फ दो लाइनें मैं सिर्फ दर्शकों को बता दूं, अगर आप सुनाना चाहेंगे तो बहुत पसंदीदा कविता है और वो भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत पे है। और एक सेतु भी आपकी कविता है, वो भी इंजीनियरिंग के सिद्धांत पे है कि सेनाएं जब सेतु से गुजरती हैं तो सैनिक अपने कदमों की लय तोड़ देते हैं क्योंकि इससे सेतु टूट जाने का खतरा उठ खड़ा होता है। तो वो आप गिरना अगर सुनाना चाहें, अगर आपकी लिस्ट में है आज सुनाने के लिए, नहीं तो कुछ और सुनाना चाहें तो जो आपको गिरना सुना जी गिरना सुना देते हैं। शुक्रिया। हम देख ही रहे हैं कि समय इस समय में गिरना शब्द जो है कितना रोल प्ले कर रहा जी, कितनी तरह से गिरा जा रहा है जी, और किस किस तरह से तो गिरना कविता सुनाता हूँ। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते, लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिली कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो, यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो, यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो, शब्दों में बचे रहो, अर्थों में भले ही गिर जाओ। यही सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा, लेकिन कितनी ऊंचाई थी उस कद में कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। चीजों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 17वीं शताब्दी के मध्य, जहां पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ता है गैलीलियो और चिल्ला कर कहता है, इटली के लोगों, अरस्तु का कथन है कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे, लेकिन अभी तो आप अरस्तु के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे, गिरते हुए देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों और कागजों को एक साथ एक गति से गिरता हुआ देखेंगे। लेकिन सावधान, उसने कहा, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा। और फिर उसने ऐसा कर दिखाया। आज 400 बरस बाद मुझे कुतुब मीनार से चिल्ला कर कहने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप, कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं और लोग, हर कद और हर वजन के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक ही चीज के लिए गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना और गिरो, गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर, जहां से फूटती हैं मीठे पानी की नदियां। गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए गिरो, आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में,
गेंद की तरह गिरो खेलते बच्चों के बीच, गिरो पतझर की पहली पत्ती की तरह किसी कोपल के लिए जगह खाली करते हुए, और गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहां पत्तियां नहीं झड़ती वहां वसंत नहीं आता। अरे गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए, गिरो जल प्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो, गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए हैं, उनका कोई तीर तो रचा नहीं गया। तो गिरो अपने इंद्रधनुष से छूटे हुए तीर की तरह वनस्पत बंजर जमीनों को वनस्पतियों और फूलों से रंगीन बनाते हुए, बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर, पके हुए फल की तरह धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, दांत गिर गए, गिर गई नजर, और स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें, चेहरे और रक्तचाप गिर रहा है देह का, तापमान गिर रहा है, गिर रही है खून में मिकदार होमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजू के से नरेश, मैं कहता हूं अपने आप से, इससे पहले कि गिर जाए तुम्हारा समूचा वजूद एक बारगी, तय करो अपना गिरना, तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त तय करो, और गिरो किसी दुश्मन पर गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूं गिर कर दिखाओ तो सही। वाह 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 वाह, प्रणाम, क्या बात है, क्या बात है, क्या इतनी लयात्मक कविता है, जो आपको लय के नाविक भी कहा जाता है। तो इस पे थोड़ा सा आपके आपके शिल्प पे अगर थोड़ा सा आप थोड़ा प्रकाश डालें कि ये जो लय है आप कविता में कैसे लय और ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है, ये इस पे आपने किस तरह से ये अपनाई, अपनी एक जो पहचान बनाई है इस तरह के शिल्प में, वो कैसे हुआ है, वो खुद से हुआ है, उस पे किस तरह की मेहनत की गई है? क्योंकि हर कवि से ये पूछना बड़ा, क्योंकि ये प्रोसेस वैसे तो बहुत ही मिस्टीरियस होता है कि कैसे कविता आती है, ये सवाल तो बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन फिर भी कविता के कुछ शायद एलिमेंट होते होंगे जो मिस्टीरियस न हो, या आप समझा पाए हमको कि लय पे आपने किस तरह से काम किया, कितने बरस में आप वहां पहुंचे जहां पे आपको लगा कि अब लय आ गई है और अब लय पे वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा हुआ क्या? देखिए लय, लय तो मैंने कहा कि हमारे पास जन्म से होती है जी। बच्चा ठुमकता है, नाचता है, उसे रोका जाता है, बाद में उससे कहा जाता है कि इसे नाचने से शर्म करो। मैंने इंजीनियरिंग में भी ये देखा था कि जो भी चीजें हैं, मशीनें हैं, वो लय में चलती हैं। अगर लय में नहीं होगा, आपके आपके स्कूटर की फायरिंग, आपका जो उसमें जो एयर आती है, जो ऑक्सीजन आती है, इग्निशन आता है, पेट्रोल आता है, अगर उनके लय, अगर लय में नहीं आए वो, जिस वक्त इग्निशन हुआ उस वक्त पेट्रोल नहीं आया, उसी वक्त ऑक्सीजन नहीं आई, तो फिर क्या होगा? आपका आपका जो कार्बोरेटर है वो धक 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 बंद हो जाए। मशीन भी बिना लय के मशीन भी नहीं चलती, बेतरतीब कोई मशीन नहीं चलती। तो ये लय तो हमारे अंदर इनहेरेंट है, और ये जब हम शुरू करते हैं कविता को बचपन में बच्चों को सुनाते हैं, हाँ, तो लय में ही सारा काम होता है, बच्चों के सारे गीत और खेल लय के साथ होते हैं।
हरा समंदर मोती चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। हाँ बाबा बाबा आम दो, आम है सरकार के, हम भी हैं दरबार के, अटकन चटकन लो। ये सारे बच्चे जो है लय के साथ ही खेलते हैं, है ना। जी 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 तो ये तो जी हम बाद में बाधाएं खड़ी करते हैं। ये बाधाएं स्वाभाविक नहीं है, बल्कि स्वभाव के बीच में दीवारें खड़ा करना होती हैं। ये जी तो जी इसी तरह से मेरे बीच में ये दीवारें नहीं रही। हाँ, बल्कि आपने बच्चों की भी कविताएं लिखी हैं, इससे बात निकल आई, तो क्या आप वो भी कुछ सुनाएं, कुछ बच्चों की कविताएं, वो भी एक देखिए अलग ऐसा पहलू है है आपके। कि बच्चों के मेरी कविताएं ज्यादातर जो हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से शुरू होती हैं, एक तथ्यात्मक एक फैक्ट जी के की तरह से, बाद में मनुष्य के जीवन की तरफ आती हैं, आना ही होता है जी उन्हें। जी आप देखें ये कविता, बच्चों की कविता में ये जो सुशील शुक्ला निकालते हैं पत्रिका साइकिल, जी साइकिल के लिए लिखी हुई कविता है ये। जी दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। बारिश छूने को ज्यों बाहर झूल गया है, बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। जी, क्या तो बात है। इसका पोस्टर मेरे दरवाजे पे लगा हुआ है, और जब वो फूलता है तो वो पोस्टर और दरवाजा साथ में फूलते हैं। ये सुशील क्या शुक्ल ने बात ही है, इसका बहुत पोस्टर अच्छा। दिया था, और हमने अपने लकड़ी के दरवाजे पे यही पोस्टर लगाया हुआ है। और तो यहाँ से एक और बात निकलती है, जो आपने कहा कि लय तो हमारे अंदर है, लेकिन उसके बावजूद उसको शिल्प में लाना एक अलग, उसके लिए एक अलग प्रतिभा लगती है, एक अलग रियाज लगता है। तो वो रियाज जो है, और ये आप कभी अक्सर आप शिल्प और कथ्य पे भी आप अक्सर बोलते रहे हैं कि शिल्प और कथ्य का जो बैलेंस है कविता में, उस पर भी अगर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालें और कुछ शेयर करें। असल में हमारे आलोचकों को सबसे आसान काम लगता है कथ्य पर बात करना, जी कि क्या कहा गया है, कवि ने क्या कहा है। वो अक्सर अपनी आलोचना में ये बताते हैं कि कवि ने क्या कहा है, ये सबसे आसान होता है। किसी रचना में क्या कहा गया है, ये सबसे आसान है। जी लेकिन कैसे कहा गया है, ये सबसे कठिन होता है। जी कैसे वो कविता हो गई, जी कैसे कहने से कविता हो गई। तो कविता में सूक्ष्मता का एक तत्व जी होता है, बहुत सारा जी विवरण देना जरूरी नहीं होता कविता में, थोड़े से में कहना होता। जी मैं याद करूं आपकी एक लाइन, आपकी एक लाइन याद करूं, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे भाई क्या लाइन है ये, ऐसे कौन सी कविता आपने कर दी ये। लेकिन वो तो वायरल हो गई, ये क्यों वायरल हो गई, क्या बात थी इसमें, इसमें कुछ बात थी, इसमें इसमें धड़कता हुआ जो समय हमारे बीच में था, उसमें जो प्रतिरोध होने वाला था, जो दिलों में प्रतिरोध पैदा हो रहा था, प्रतिरोध शब्द आपकी कविता में नहीं, क्रांति जैसा कोई शब्द आपकी कविता में नहीं, विरोध प्रतिरोध वाले शब्द आप, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो सब हमारे
दिलों में है, उसे कहने की जरूरत नहीं थी, एक सरल पंक्ति कहनी थी, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये अपने समय के एक बहुत बड़े प्रतिरोध का की अभिव्यक्ति हो गई। तो ये हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद ये बताना पड़े कि ये किस समय कविता लिखी गई थी और किस तरह की अमानुषिकताएं की तैयारियां की जा रही थी कि कागज दिखाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उसके विरोध में ये पंक्ति आई थी। तो ये होता है कि कविता को कैसे, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेट, धीरे धीरे जब आप काम करते हैं तो ये सहज भाव से, सुशील शुक्ला की एक पंक्ति है, धूप निकलती है, रोज सवेरे धूप निकलती है, और धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में मुट्ठी खोलो तो फिर धूप निकलती है। वाह वाह वाह, आप देखिए, धूप निकलती है, धूप में मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांध कर आप इस प्रकृति से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, हवा है मुट्ठी में नहीं आ सकती, पानी है मुट्ठी में नहीं बांध सकते, हवा को मुट्ठी में नहीं बांध सकते, धूप को मुट्ठी में नहीं बांध सकते, आकाश को मुट्ठी में नहीं बांध सकते। ये जो तत्व है, पंच तत्व कहलाते हैं, इन्हें मुट्ठी में नहीं बांध सकते। आप याद करिए, ये कविता का बैकग्राउंड कितना बड़ा बड़ा है, ये सिर्फ धूप निकलने की कविता नहीं है। बिल्कुल, प्रकृति को मुट्ठी में बांधोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हाथ फैलाओगे, हाथ फैलाओगे तो प्रकृति कुछ देगी। ये विनम्रता अगर आपके प्रति, आपके हृदय में प्रकृति के प्रति नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुट्ठी में, बंगाल को मुट्ठी में बांधने की कोशिश की गई थी तो क्या हुआ? जी, आपने कहा ना, कलकत्ता से ज्ञानोदय निकलता था एक जमाने में, आज फिर कलकत्ता से ज्ञानोदय हो गया एक बार फिर। तो उसी समय वही सोच रहा था। तो और आगे बातचीत करने से पहले कोई और एक और कविता हो जाए, फिर हम शायद 10 मिनट और होंगे तो हम कुछ दर्शकों के सवाल भी लेंगे, और एक आप कविता सुना है, एक दो और सवाल मेरे बाकी हैं वैसे, लेकिन एक कविता हो जाए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वो जो कविता आप शुरू में पसंद कर रहे थे जी, वो कविता में के वरुण ग्रोवर के पसंद की हुई कविताओं में से है, इस बारिश में, इस बारिश में जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं, कूकती है कोयलें उसी के लिए, उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सोंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान, अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कविता, और अक्सर हम क्योंकि ये ट्विटर की दुनिया पे दुनिया में रहते हैं, और हर थोड़े दिन में कोई ना कोई कविता किसी ना किसी मौके पर आपकी सच हो जाती है, प्रकट हो जाती है सामने, क्योंकि मौसम या दुनिया का हाल ऐसा होता है कि आपकी कविता सामने आ जाती है और फिर हम वो शेयर कर देते हैं।
तो एक और पहलू है आपका जो है कि आपको फिल्मी गीत बहुत पसंद है, हिंदी फिल्मी गीत, जो आपने कहा भी बचपन से आप बैजू बावरा आप ईंट हटा कर देखते थे, तो आपके पसंदीदा फिल्मी गीत कौन से हैं और क्या वो, और वो क्यों पसंद हैं? कुछ तीन चार गीतों की अगर बात हो जाए, क्या काव्यात्मकता की वजह से पसंद हैं, या संगीत अच्छा है, देखिए या आवाजें अच्छी हैं, या क्या यादें अच्छी हैं? देखिए, उसके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि शब्द बाद में आते हैं, संगीत में शब्द और पंक्तियां बाद में आते हैं, वो हमारे जो बड़े आ, आ, बड़े संगीतकार गायक हैं, क्या नाम है उनका, मेरे नाम, वो कहते हैं कि मैं अक्षरों को गाता हूं, शब्द को नहीं अक्षर को गाता हूं। वो गाते हैं, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, लेकिन कैसे गाते हैं कबीर को, निर्भय निर्गुण गुण रे कुमार, गाऊंगा। हाँ कुमार जी, कुमार कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व जी की बात कर रहे गंधर्व, ना जी? कुमार गंधर्व, हाँ वाह, आपने वो गा के इस तरह से बता गा रहे हैं। क्या कहते जी। हैं, निर्भय, एक-एक अक्षर गा रहे हैं, एक-एक बिल्कुल अक्षर गा रहे हैं। बिल्कुल संगीत में जो स्वर हैं वो शब्दों की और पंक्तियों की अपेक्षा नहीं करते, वो बाद में आते हैं, संगीत में बाद में आते हैं वो, और वो बड़ा रोल बिल्कुल प्ले करते हैं। लेकिन बिल्कुल जो धुन है, जो स्वरों का लगाव है, संगीतकार तो उसमें अपना काम कर जाता है। बिल्कुल आप ये देखिए, अब पंक्तियों की बात, पहले मैं धुन की बात करूं, वो शंकर जी किशन का एक गीत है, रसिक बलमा, सिर्फ इतना, रसिक बलमा सामने है कि नहीं है, विरह का है कि मिलने का है, मिलन का है, प्रेम का है कि दुख का है, इस ये पंक्ति नहीं, सिर्फ रसिक बलमा, बलमा तक जाते हुए पता लग जाता है कि क्या है। अब मैं गाऊंगा नहीं, मेरा गला बहुत बेसुरा है ना नहीं नहीं बहुत अच्छा गा रहे थे आप, अभी आप ना बेसुरे तो ना बिल्कुल भी नहीं है। ना ना ना, देखिए, रसिक बलमा, कुछ नहीं कहा गया, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल बलमा, लेकिन बलमा पे जो मीड़ दी है, क्या दी बिल्कुल है शंकर जी ने, और सब कुछ कह दिया इसमें, कि कितने वाह दुख का वाह। गीत है ये रसिक बलमा, है ना, इतनी पंक्ति में। बिल्कुल और कितनी कितने तरह के एक्सपेरिमेंट हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने किए हैं। आप ये देखिए, शंकर जंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, नौशाद का एक बहुत मशहूर गीत है, बहुत हिट गीत था, नदिया धीरे बहो, मेरे मेरे सैया जी उतरेंगे पार हो, उड़न खटोला का गीत है, ये फिल्म थी, हाँ, दिलीप कुमार और निम्मी, दिलीप कुमार और निम्मी थे इसमें, और गीत जी था, मेरे सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, वाह। लोकगीत की शैली में है, सुना होगा आपने जी बिल्कुल तो गाकर नहीं बताऊंगा लेकिन नहीं सुन, हाँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये शायद फिल्मों में गाया हुआ वो अकेला गीत है जिसमें कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं, जिसमें कोई वाद्य अच्छा यंत्र बजता ही नहीं है। अच्छा आप कभी सुनिएगा इसको, इस जी जी कार्यक्रम के जी बाद मैं, इस गीत को सुनिएगा और हाँ देखिएगा कि इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता। मेरे सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, फिर क्या होता है, धीरे बहो धीरे 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 बहो नदिया, हैया हो हैया रे हैया हैया हो, फिर जो सुर लगते हैं वो भी गले के हैं,
और फिर पंक्ति आती है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा। ये इन लोगों ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं और बड़े काम किए हैं। जी आप वो देखिए, जी वो जो गीत है रमैया वस्ता भैया, वाह हमें संगीत में संगीत के गुरु ये सिखा देते हैं कि इस राग का ये समय है, इस राग का ये मूड है, इस राग की भावना क्या है, इस राग का समय सुबह का है दोपहर का। लेकिन ये बैजू बावरा में नौशाद ने इस राग दरबारी में, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, उसमें इसका उपयोग किया है। जी महल उदास और गलियां सूली, महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारें। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारें। बहुत दूसरा गला, चिंता मत करिए उसकी। नहीं, चिंता नहीं कर ठीक रहे है। हैं। अच्छा, महल उदास और गलियां सुनी, लेकिन इसी राग में रमैया वस्ता भैया, ये शंकर जयकिशन की रचना है। और कितनी खुशी की रचना है। रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, ये राग दरबारी में है। और ये राग दरबारी मुझे पता लगा तब, जब इसका जब आखिर फिल्म ये गीत खत्म होने लगता है, तब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का की तान पीछे सुनाई देती है। रमैया अवस्था भैया, रमैया अवस्था भैया, ये जो पीछे तान चल रही है, ये राग दरबारी की तान है। वाह और फिर वाह मैंने बांसुरी पे बजा कर देखा, पूरा गीत रमैया वस्ता भैया राग दरबारी में। ये इस वाह बात को गलत सिद्ध कर देता है कि गीत की कोई भावना स्वरों की और राग की कोई भावना होती है। राग की भावना स्वरों के लगाव से और रिदम से बनती है। स्वरों के लगाव, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने बड़ा काम किया है, इनका अध्ययन नहीं किया गया। और गीत तो इस तरह से याद आते हैं ना आजकल। एक 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 कविता छोटी सी सुनाऊं आपको। बिल्कुल बिल्कुल मरना है ये तो तय है, मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है। जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है। ये कितना बुरा समय है, मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है। तो ये जो समय हमारा कोरोना का है, जिसमें वो मेरी बेटी राखी मेरे पास वो किट पहन करके आ रही है, उसे डर लगता है मेरे पास आने से। ये समय लोगों से दूरियां बनाने का है। और वो गीत याद आता है, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। मुकेश का गाया हुआ गीत है ये जी मुकेश का एक जमाने का बड़ा मशहूर गीत है। जी ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। कोरोना, क्योंकि हर एक से डर है कि पता नहीं इसको कोरोना होगा। है ना। गीतों की बात। अच्छा, हाँ, बोलिए आप, बहुत मैं बहुत सॉरी लोग थी। ये कहते हैं कि देखिए ये समय
लाशों से भरा हुआ है, ये समय मुसीबतों से भरा हुआ समय है। लोगों के रोजगार छूट गए हैं, लोगों के घरों में उनके प्रियजनों की मृत्यु हो गई है, और ऐसे समय में बताइए आप कविता कर रहे हैं, आप लाइव हो रहे हैं, तो ये बताइए कि इस मुसीबत के समय में मुसीबत की कविता नहीं लिखी जाएगी, मुसीबत की बात नहीं की जाएगी, बिल्कुल, तो फिर कब की जाएगी? बिल्कुल। ये यही समय है जब हमें लोगों से काट दिया गया है, तो जरूरी है कि हम लाइव हो जाएं, अपने समय में अपनी इजाद की हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और लोगों से जुड़ें। और यही वो समय है कि जब लाशों से भरे हुए समय के खिलाफ हम बातें करें, हम कविता करें जी, हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी अच्छी तरह से ताकत के साथ कर सकते हैं, वो यही समय है। जी, कविताएं उसी समय लिखी गई थी जब हिटलर का पंजा लोगों के गर्दन पर जकड़ा हुआ था। कृष्ण ने लिखा था उस टैंक के बारे में जो कविता लिखी थी कि आपका टैंक तो बहुत बहुत मारक है, लेकिन उसमें खराबी है जनरल, तुम्हारा टैंक तो बहुत खतरनाक है लेकिन उसमें खराबी है, क्या? उसे एक मनुष्य चलाता है, एक इंसान चलाता है उस टैंक को, ये जो मनुष्य है, और ये जो मनुष्य को मनुष्य से, इंसान को इंसान से अलग कर दिया गया है, उसका एक ही तरीका है इस समय कि हम एक दूसरे से मिलें, वो भले ही हम लाइव होकर के मिलें, क्योंकि हमें मिलना चाहिए लगातार एक दूसरे से, और इस मुसीबत के बारे में हमें बात करना चाहिए जी, तो ये वही समय है। इसलिए पूर्वा से मेरी बात हो रही थी, वो एक, एक उसने बहुत बहुत अच्छी बात उसने कही, मेरी बेटी है पूर्वा, तो उसने मुझसे कहा कि भावनाओं को इस समय तर्क और भावना का संघर्ष एक चल रहा है, तो जो इलेक्शन हो रहे हैं उसने किस तरह से भावनाओं को भड़का करके लोगों को इंसान से इंसान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, घृणा फैलाई जा रही, तो भावनाओं को मैनिपुलेट करना, हमारे इमोशंस को, भावनाओं को मैनिपुलेट करना, बहकाना उन्हें, ये हमारी राजनीति का दुर्भाग्य से चरित्र बन गया है। इसे हम सिर्फ तर्क से ही जीत सकते हैं, भावनाओं को हम तर्क से ही, और तर्क, हालांकि तर्क को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सूचनाओं से लैस होना चाहिए, इतिहास से, अपने समय से, और तथ्यों की जानकारी हमारे पास पूरी होना चाहिए, जिसके तभी हम तर्कों को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। ये ऐसा समय है कि जिसमें हमें एक आखिरी कविता के तौर पर एक कविता मैं सुना दूं आप, बिल्कुल, उसके बाद आप जो चाहे वो करिएगा जी। कुछ और हैं सवाल हैं, लेकिन आप कविता सुनाएं, फिर उसके बाद हम सवालों पे आएंगे। ये सवाल कर ले, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कविता सुनाएं, फिर और भी, अभी तो है समय। देखिए इस कविता का शीर्षक है मातृ ऋण, माता का ऋण। तो माता का ऋण इस तरह भी चुकाते हैं हम कि पिता के कहने से परशुराम मां का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। माता का ऋण इस तरह भी चुकाते हैं हम कि पिता के कहने से परशुराम मां का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। हमने गाय को कहा माता, तो बूढ़ी होते ही उसे पीट कर घर से निकाला और घूरों पर प्लास्टिक खाकर मरने के लिए छोड़ दिया। हमने धरती को कहा माता, तो उसकी हरियाली उजाड़ कर उसे बंजर बनाकर छोड़ दिया। हमने नदियों को कहा माता, तो उन्हें अपने मलमूत्र और गलाजत से भरकर कुंभी पाक बनाकर छोड़ दिया। कहते हैं नागिन अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ को खा जाते हैं।
माता तेरे बहुत से सपूत इन दिनों कर रहे हैं तेरे नाम का कीर्तन। माता भारत माता अपनी खैर मना। वाह, कहते हैं नागिन अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ को खा जाते हैं। माता तेरे बहुत से सपूत इन दिनों कर रहे हैं तेरे नाम का कीर्तन। भारत माता अपनी खैर मना। वाह वाह वाह, बहुत ही सामयिक कविता, और आशा है कि लोग सुने और समझे। एक तो सवाल जो आ रहे हैं हमारे जी देखने वालों के, तो उसमें एक सवाल है जिसमें मैं थोड़ा सा कुछ चीजें जोड़ूंगा जो अभी आप बात कर रहे थे। तो सवाल है गीतेश सिंह का कि आज दुनिया के जो हालात हैं, ऐसे में मनुष्यता को बचाने में कवियों कविताओं साहित्य की क्या भूमिका रहेगी या रहेगी भी। मेरा सवाल इसमें थोड़ा सा ये तो बात जोड़ा जो है। ये तो अच्छा सवाल है कि समय कविता की क्या भूमिका हो सकती है। ये जो मातृ ऋण कविता मैंने सुनाई, जी वो तो वो कविता हमने किस तरह से माता कह करके अपनी धरती को माता कहा, हमने गाय को माता कहा, नदी को माता कहा, और क्या सलूक जी किया उसके साथ, जी हम क्या सलूक करते हैं शब्दों को, और वो हम कविता के जरिए जब हम कहते हैं तो हमारे दिल पर असर करती है। अगर दिल पर असर नहीं कर रही है कविता, तो फिर कविता है नहीं वो। तो कविताएं दिल पर असर करती हैं और हमारे दिमाग को बदल देती है। ये काम कविता करती है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत से, वो शैलेंद्र जो हमारे सिनेमा के कवि हैं, जी 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 तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये कविता जब पढ़ी जाती है, ये कविता आप समझें कि संगीत, आप समझेंगे कि संगीत का कोई उपयोग नहीं होता, कविता का उपयोग नहीं होता। जिस समय युद्ध होते थे तो क्या संगीत बंद हो जाता था? अरे नगाड़े बजाए जाते थे, युद्ध के लिए तुरही बजाई जाती थी, जी युद्ध के लिए बाजे बजाए जाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई थी तो संगीत का हिस्सा रखा था। जी कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। हाँ कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के की, ये सुना होगा आपने, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पर लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा। ये कविता बिल्कुल बहुत साधारण शब्द हैं, लेकिन लोगों में जोश भर देते थे। लोग अपना सिर कटा देते थे, गोली खा जाते थे गीत गाते हुए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और झंडे को ऊंचा रखने के लिए गोली खा जाते थे लोग। ये कविता बड़ा काम करती है, ये भावना भावना से हमारे हमारी ताकत को एक चरम उत्कर्ष पर पहुंचाती है। तो ये उनकी बात का जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल जो आया है वो है वीरेंद्र प्रधान का सवाल है कि बुंदेली सहित अन्य जो स्थानीय बोलियां हैं उनका क्या भविष्य है, आपको क्या लगता है इनका विकास हिंदी के विकास में बाधक है या साधक है? देखिए ये बात बहुत ही और थोड़ी सी दर्द भरी भी है कि जिस तरह से अंग्रेजी ने हमारी भारतीय भाषाओं को गुलाम बना दिया और वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जी जिस जिन भाषाओं में ज्ञान नहीं होगा, जो ज्ञान की भाषा नहीं होंगी, तो इसका मतलब वो अज्ञान की भाषा होंगी, और अज्ञान की भाषा होंगी तो एक दिन खत्म हो जाएंगी। हमारी भाषाओं में ज्ञान नहीं दिया जा रहा, इसीलिए हमारी मेधा नष्ट हो रही, हमारे बच्चे रट रहे हैं।
यानी महाराष्ट्र में हमारे बच्चों को मराठी में पढ़ना चाहिए, विज्ञान बिल्कुल, टेक्नोलॉजी और विज्ञान उनको मराठी में पढ़ना चाहिए, वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो हो क्या रहा है, वो रट रहे हैं, वो समझ नहीं रहे। और उनको जिस बात को हम एक पंक्ति में समझ सकते हैं उसे उनके लिए, उनको 10 घंटे, जो हम 5 मिनट में समझ सकते हैं उसको 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि रटना पड़ता है। मैंने इंजीनियरिंग को पढ़ते हुए ये महसूस किया है। तो उनकी जो 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 प्रश्न है कि बुंदेली बुंदेली खत्म हो रही है, ये बड़े दुख भरी बात है। अब झांसी में और सागर में भी बुंदेली नहीं बोली जाती, शर्म लगती है बुंदेली बोलते हुए उन्हें, वो खड़ी बोली बोलना चाहते हैं, बुंदेली नहीं। लेकिन बुंदेली बड़ी मीठी बोली है, अगर अंग्रेजी के शिकंजे से हिंदी बचेगी, मराठी और बंगला भाषा बचेगी, तो हिंदी बचेगी, तो फिर कोंकणी भी बचेगी, तो फिर बुंदेली भी बचेगी। हो उनसे हम तो तनक मनक बुंदेली बोल लेते हैं, तो हम उनसे वीरेंद्र जी से यही कहना चाह रहे हैं कि बुंदेली बचेगी तब ही बचेगी कि जब हिंदी बचेगी। अगर हिंदी ही नहीं बची तो बुंदेली कहाँ बचेगी, कैसे बचेगी, नहीं बच सकत बुंदेली, नहीं बच सकत। उन्हें हिंदी को बचानों पर है हिंदी को, तो बुंदेली सोई बचेगी नहीं। और तो हिंदी कविता को और हिंदी कविता को लेकर आप कितने आशावान हैं आज की हिंदी कविता क्या हिंदी कविता देखिए हिंदी कविता बहुत अच्छी लिखी जा रही है जी। लेकिन साधारण कविता की धुंध इतनी छा गई है, इतनी ज्यादा छा गई है कि उसमें अब होता क्या है। हालांकि अब ये जो टेक्नोलॉजी है सबके हाथ में है, और फेसबुक पर हम सब रोज देखते हैं, कविताएं भी देखते हैं, तो अच्छा है कि इतनी सारी कविताएं लोगों की आ रही हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि उस जितनी कविता होती है उस पर 150 लाइक आ जाते हैं तुरंत। उससे हमें ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा, लोग वाह वाह कर रहे हैं, हाँ, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं उससे। तो उसमें चूंकि आलोचना का हिस्सा फेसबुक पर अभी नहीं है, आलोचना का हिस्सा अगर आ जाएगा और कविता के बारे में हम थोड़ा खुल करके बात करने लगेंगे तो फेसबुक पर कविता का आना बहुत सार्थक हो जाएगा। कविता अच्छी लिखी जा रही है, लेकिन जो बहुत सारी जिसको क्या कहना चाहिए, फेक पोइट्री भी बहुत सारी लिखी जा रही है जी, उसे सावधान रहना चाहिए। और उसने छा लिया है अच्छी कविता को, अच्छी कविता छुपी हुई है। अच्छी कविता तो एक पंक्ति में होती है। देखिए देखिए इसी दौरान में आपने, आपको याद होगा कि जब पिछली बार का ये हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो लोग पैदल ही निकल पड़े थे हजारों किलोमीटर की यात्रा पर जी, सड़कों पर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, तो वो रेल के पटरियों के किनारे चलने लगे थे जी। चलते चलते थक गए और उन्हें समतल जगह, पटरियों के किनारे तो उबड़ खाबड़ होता है, तो उन्हें समतल जगह रेलवे क्रॉसिंग पर मिल गई और उन्हें पता था कि रेलगाड़ियां बंद हैं, तो वो लेट गए उस पटरियों पर, कट कर मर गए। उस समय विष्णु नागर ने एक पंक्ति लिखी थी जी, ये भी कोई नींद थी, ये क्या नींद होती जो मालगाड़ी के ऊपर से मालगाड़ी के गुजर जाने पर टूट जाती, क्या नींद होती वो क्या नींद थी कि ऊपर से मालगाड़ी निकल गई है और नींद नहीं टूटी है। ये क्या कह रही है कविता, सरकार की नींद नहीं टूटी थी, ये नींद टूटने की बात, ये सिर्फ उन लोगों की नींद के टूटने की बात नहीं थी जो कट कर मर गए थे, बल्कि उनके नींद टूटने की भी बात थी जिनकी नींद आज तक नहीं टूटी है।
जी आज तक ये नींद जी नहीं टूटी है। तो कविताएं इसी काल में लिखी जाती हैं और कविताएं अपना काम भी करती हैं, उन्हें ठहर कर जी समझे जाने की जरूरत होती है। फेसबुक ने बहुत बड़ा कमाल किया है कि हमें संपादक से मुक्त दे कर दिया। संपादक से जी मुक्त हैं हम तुरंत जी प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ये संयम होना चाहिए कि हम उसकी आलोचना को ग्रहण करें, अपने भीतर आलोचना पैदा करें, और सिर्फ लाइकों से अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो उससे कविता का जी थोड़ा नुकसान होना संभव है। जी बिल्कुल। और जाते जाते एक अंतिम सवाल, ये जब मैं विनोद कुमार शुक्ल जी से मिला था एक बार रायपुर में, और उन्होंने कहा था कि एक जी गीत है जो वो सिर्फ आपके लिए गाते हैं, तो क्या आपके पास भी कोई ऐसा गीत है जो सिर्फ उनके लिए गाते हैं? उन्होंने एक गीत बताया था हमको, जन्म का बंजारा हूं बंधु, और नहीं तो आप वही गीत गा दें उनके लिए या हमारे लिए या सब या कोई और गीत कविता। और इसके बाद एक और छोटा सा सवाल और है, वैसे इसके मैं एक और सवाल भी जोड़ूंगा इसमें, लेकिन आप पहले इस देखिए, ये मैं गाऊंगा तो जाहिर है कि बेसुरापन फैलाऊंगा, है ना, तो वो मैं फैलाना तो नहीं चाहता। आप कोई कविता सुना दीजिए, या कोई ऐसी कविता है, कोई ऐसी बात है जो जो आपकी और विनोद जी की एक सीक्रेट बात है जो आप आज हम सबके लिए खोलना चाहते हैं। विनोद जी मेरे लिए बहुत आदरणीय है और बहुत प्रिय व्यक्ति हैं। विनोद जी के जी साथ रह करके मैंने उनसे बहुत सीखा है। बहुत चुपके हैं वो, बोलते बहुत कम हैं। हाँ, उनसे बुलवाना तो बहुत कठिन है, लेकिन जी मैं समझता हूँ उन्हें। हर एक के अंदर कुछ कमियाँ कुछ खूबियाँ होती हैं। उनकी वो बहुत मशहूर कविता है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। ये कविता हमारी जानने के बारे में हमारी सारी भ्रांति को दूर कर देती है। हम बिल्कुल किसी को उसके नाम पते से क्या जानते हैं, हम बिल्कुल किसी को उसके ओहदे से और काम से क्या जानते हैं, अगर हम उसे उसके दुख से उसकी निराशा से नहीं जानते, उसके हंसी खुशी से नहीं जानते, तो हम कुछ नहीं जानते। सड़क पर एक घायल आदमी को देखकर हम गुजरते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कौन पड़ा था। कितना झूठा वाक्य है ये। हमें पता है कि इंसान था, हमें पता है कि वो घायल था, हमें पता है कि उसे हमारे मदद की जरूरत थी। हम सब जानते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि पता नहीं कौन पड़ा था। अरे, इंसान पड़ा था। ये कविता वही बात कह रही है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे वो नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था। मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। हम दोनों कुछ दूर साथ साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे। आप देखें, इसमें नहीं जानता था जानता था, नहीं जानता था जानता था कि जो रिदम आ रही है। बिल्कुल हाँ, ये तो गीत की गीतात्मकता है। ये गीत के अंदर बिल्कुल हो, लिरिक की क्वालिटी होती है। घूम घूम कर वो बिल्कुल पंक्ति आती है, इसमें वो आ रही है। वाह तो कविताओं को ध्यान से पढ़ना पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कविताएं बहुत कुछ बिल्कुल कहती हैं, बहुत जरूरी बात जी कहती हैं, हमें हमारी जी मनुष्यता का प्रमाण है वो, लेकिन उन्हें उन्हें संजीदगी के साथ पढ़ना चाहिए, ये जरूर कहता हूँ। जी, जी बहुत बहुत अपना सुंदर। मैं प्रश्न एक मुझे अंतिम बताइए। जी सवाल, बस एक अंतिम जी सवाल मैं पूछूंगा आपसे, और उसके बाद इजाजत लेंगे आपसे हम। आ, आ, बहुत लंबा, बहुत सुंदर, बहुत सब तरह के रसों वाला, जीवन के रसों वाला आपका सफर रहा है। तो आज अगर आप समय में पीछे जा सकते
उस 16-17 साल के नरेश के सामने खड़े होकर उसको कोई दो बातें या तीन बातें या एक बात बता सकते जीवन के बारे में, जिससे उसका जीवन और पता नहीं सुगम हो जाता या और आसान हो जाता, ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि काश उस समय मुझे पता होता या आज आप बताना चाहें वापस जाकर खुद को, तो कोई ऐसी बात, एक बात, दो बातें, तीन, जो भी आपको लगे। देखिए, ऐसा होता है, हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन जीवन में सफल होने के लिए हमें बताया कुछ और जाता है। पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, इम्तिहान पास करो, नौकरी पा जाओ, कार खरीद लो, यही जीवन की सफलता है। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं हुआ, जो बड़े बने हैं वो सिर्फ नौकरी करके और कार खरीद के बड़े नहीं हुए, वो बिना कार खरीदे बड़े हुए, बहुत बड़े हुए, और जीवन में बहुत बड़े काम उन्होंने किए हैं। आइंस्टाइन को तो स्कूल से निकाल दिया गया था, बोल नहीं पाते थे। उनके बारे में मैं ज्यादा लंबी कहानी नहीं कहूंगा। जब हाई स्कूल में उनके पिता ने उनके प्रिंसिपल से पूछा इसको किस लाइन में भेजें, तो उन्होंने कहा इसका क्या है, इसे किसी भी लाइन में भेज दीजिए। मतलब ये था कि ये कहीं भी, ये सब जगह बेकार होगा। ये असेसमेंट था टीचर का, ये टीचर का असेसमेंट था। बचपन में एडिसन को स्कूल से निकाल दिया था। एडिसन को बच्चे को एक लिफाफे में रख करके एक चिट्ठी दी थी कि अपनी माँ को दे देना। माँ ने बताया, बच्चे ने पूछा कि माँ क्या लिखा है इस चिट्ठी में। माँ ने बताया, लिखा है तुम्हारा बेटा बहुत बहुत तेज है, बहुत जहीन है, वो इतना तेज है कि हम उसे अपने स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। हमारे पास इतनी विद्या नहीं है कि हम इस तेज बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए उसे अलग से शिक्षा आप देने की व्यवस्था करें। इसलिए बेटा तुम कल से स्कूल नहीं जाओगे। एडिसन कहते हैं कि एक बार जब वो बड़े हो गए, भूल गए थे और सामान घर में छांट रहे थे, तो उन्हें माँ के बक्से में वो चिट्ठी मिल गई। चिट्ठी को पढ़ा उन्होंने, उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा बेटा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ये क्लास में चल नहीं पाएगा, इसे हम रखेंगे क्लास में तो ये भी परेशान होगा और हमारे दूसरे बच्चों को पढ़ाई रोकेगा, इसलिए हम इसे स्कूल से विदा करना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं। सोचिए, टीचर का असेसमेंट, असेसमेंट पर मत जाइए, किसी के असेसमेंट पर मत जाइए। ये मानकर चलिए कि आप विलक्षण हैं, आप जैसा कोई नहीं, आपके अंदर कुछ और चीज है। किसी को गाना आता है, हाँ, वरुण ग्रोवर स्टैंड अप कॉमेडी कर लेते हैं, आप भी, आप नहीं कर पाते तो आप बेकार हैं, ऐसा नहीं होता। नरेश सक्सेना कविता कर लेते हैं, उनका कुछ नाम हो गया है, आप कविता नहीं कर, तो ऐसा नहीं है, आप कुछ और कर पाते होंगे। आप जो कर पाते हैं वो करिए। गांधी के पास कोई कार नहीं थी, गांधी के पास कोई फ्लैट नहीं था, गांधी क्या दे गए अपने बच्चों को, गांधी अपने बेटों के नाम क्या वसीयत कर गए। तो आप जो भी हैं, आपके अंदर जरूर कोई ना कोई विलक्षण शक्ति है, हर व्यक्ति विलक्षण होता है। ये समझ लीजिए, एक पेड़ की कोई पत्ती दूसरी पत्ती के बराबर नहीं होती, किसी का चेहरा दूसरे चेहरे के बराबर नहीं होता, किसी
किसी के गुण दूसरे गुणों के बराबर नहीं होते, उसको पढ़ाई लिखाई डिग्री से, कार से, नौकरी से, ओहदे से जांचना गलत है, ये अपने मन में धारण कर लीजिए। और इसको धारण करने की सबसे सही उम्र वही होती है 15-16 साल की। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस सुंदर सुंदर बात पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, आपने हमें इतना समय दिया, इतने सुकून से गाया भी, कविताएं भी सुनाई, किस्से भी सुनाए और ज्ञान भी हमसे शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं शायद पूरी तरह से मुखर नहीं हो पाया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत आपने जितना समय दिया हमारे लिए, वो एक एक मिनट उसका सोने के बराबर है। तो बहुत 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 शुक्रिया। और ये बताइए, क्या क्या ये उस पे रहेगा, नेट पे रहेगा? जी जी, ये YouTube पे ही प्रसारण हो गया है इसका, साथ साथ ही, और YouTube पे ही ये रहेगा, Facebook पे भी रहेगा, दोनों जगहों पे रहेगा। हम आपको बाद में अच्छा। लिंक भी भेज देंगे, तो आप उस पे दोबारा लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। वरुण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा, और बातें और बहुत सारी बातें अभी तो कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि अगर और थोड़े दिन में समय हो तो आपसे फिर एक और, अभी तो बहुत कविताएं आपकी रह गई सुनना, और बहुत बातें और रह गई। पर अगर इसका इसके फॉर्मेट में अगर लोगों के वो आ रहे होते, प्रतिक्रियाएं आ रही होती, तो बहुत अच्छा होता। तो हाँ, वो फोन पे असल में देखना मुश्किल हो जाता है, वो फोन में शायद आप अच्छा। साइड में एक चैट विंडो है, शायद उसमें दिखता है। तो फिलहाल अच्छा। हाँ, वो अच्छा। मेरे ख्याल से प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी, और ये YouTube पे आएगा तो फिर उसमें प्रतिक्रियाएं, तो लोग नीचे YouTube पे तो बैठे रहते हैं कि कोई नया वीडियो आए। अभी कितने लोगों ने देखा होगा, कुछ अंदाजा है? देखा होगा, ये तो ये बोल रहे हैं 140, 150 करीबन, 150 लोग थे इस समय लाइव में, लेकिन ज्यादातर लोग जो है बाद में, हम बाद में बहुत लोग देखते हैं। देखिए, 100-150 तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। हाँ नहीं, लाइव में इतने लोगों ने देखा है, और उसके अलावा फिर जब शेयर होगा तो फिर तो हजारों लोग देखेंगे। और ये हमको चैट में बताया जा रहा है कि बहुत लोग लिख रहे हैं, जितने भी देख रहे थे, कि उनको बहुत बहुत ही आनंद आया, बहुत उन्होंने इसमें एंजॉय किया, और जरूर बहुत अच्छा, कुछ पाया भी होगा। मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी ऐसी थी तो मैं डाउटफुल था, लेकिन मुझे लगा कि कर देना चाहिए। और आज खास तौर से जो दोपहर में जो नतीजे आए चुनाव के बंगाल के, उसने मुझे कुछ ताकत दे दी है। जी बिल्कुल, उसने मुझे कुछ ताकत दे दी है, और इस वजह से मैं कुछ चलिए, आपको बहुत, मेरा बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, 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 नमस्कार। और मैं बाकी दर्शकों को अलविदा कह दूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मुझे पता भी नहीं मेरे फोन की बैटरी कितनी रह गई है, 6% रह गई। तो मैं जल्दी से जाते जाते एक छोटी सी कविता, और उसके बाद हमारा एक जो ये इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक एक छोटी सी एक और जानकारी जो देनी है, नई धारा संवाद जो है उसके साथ अब एक और छोटी सी कोशिश हो रही है, उसका नाम है हाथ थामे है उम्मीद। क्योंकि समय इतना मुश्किल चल रहा है, तो नई धारा ने एक कोशिश शुरू की है, जिसमें कि ऐसी कविताएं, ऐसी कहानियां, ऐसे लघु लेख जो कि आपको उम्मीद दें इस समय में, आप पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, लिखना चाहें, आप भेज सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, और उसमें आप ऐसी चीजें पढ़ें जिससे कि आपको थोड़ा सा उम्मीद जगे, थोड़ा मन अच्छा हो। अगर आपका मन थोड़ा सा इस समय अजीब सा या उथल पुथल वाला चल रहा है, तो हाथ थामे है उम्मीद नई धारा की एक पहल है, और उसमें आप अपनी कविताएं भी भेज सकते हैं। और जो आप किसी की और किसी और कवि की, जिसकी कविताएं आपको पसंद हैं, कवित्री की, आप वो भी भेज सकते हैं, और वो एक जगह एक कलेक्शन रहेगा।
और जाते जाते मैं नरेश जी की एक कविता, क्योंकि कविता का क्या मायने होते हैं और ऐसे समय में कविता क्या करती है हमारे लिए, बस ये कविता मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। कविता है, जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या कविताएं होंगी मुसीबत में हमारे साथ। जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या कविताएं होंगी मुसीबत में हमारे साथ। जैसे युद्ध में काम आए सैनिक की वर्दी और शस्त्रों के साथ, खून में डूबी मिलती है उसके बच्चे की तस्वीर, क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में। जैसे युद्ध में काम आए सैनिक की वर्दी और शस्त्रों के साथ, खून में डूबी मिलती है उसके बच्चे की तस्वीर, क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में। जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, मुसीबत के वक्त कौन सी कविताएं होंगी हमारे साथ। लड़ाई के लिए उठे हाथों में कौन से शब्द होंगे। धन्यवाद।